हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, आपके सिलेबस में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है बूढ़ी काकी, और बूढ़ी काकी का जो पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, वो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। देखिए, बूढ़ी काकी जो कहानी है उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया है। पूरी कहानी आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पर विजिट करके पढ़ लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। तो चलिए देख लेते हैं कि बूढ़ी काकी से कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जब आपके पास सक्सेस मास्टर पॉइंट है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके हर एक सब्जेक्ट की पूरी क्लास कराई जाती है, प्लस मॉडल पेपर की वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छा अच्छा मार्क्स ला सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूढ़ी काकी कब रोती थी। देखिए, कब रोती थी बूढ़ी काकी, स्टोरी आपको पढ़ाई है ना, याद होगा। चलिए देखिए, उत्तर है आपका, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी, और जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते या उनके भोजन का समय टाल देते थे या भोजन की जो मात्रा होती थी वो कम कर देते थे, यानी घर वाले, बूढ़ी काकी का जो भतीजा था बुद्धिराम, अगर वो बहुत कम भोजन देता था जितने में बूढ़ी काकी का पेट भी नहीं भर पाता था, या फिर अगर कोई खाने पीने की चीज़ बाज़ार से खरीद कर आती थी और बूढ़ी काकी को नहीं दी जाती थी, तो बूढ़ी काकी रोने लगती थी, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई थी और उनके ज़बान का जो स्वाद था वो पूरा नहीं हो पाता था, उनका पेट नहीं भर पाता था, तो ये चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आप ही सोचिए, अगर आपका पेट ना भरे, आपको भर पेट भोजन ना दिया जाए, तो आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो वही बूढ़ी काकी के साथ होता था, और बूढ़ी काकी का जब पेट नहीं भरता, उन्हें खाना नहीं मिलता या खाना कम मिलता, या बाज़ार से आई खाने पीने की चीज़ें उन्हें घर वाले नहीं देते, तो वो रोने लगती थी। तो बूढ़ी काकी के रोने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि भरपेट भोजन ना मिलना। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूढ़ी काकी पश्चाताप क्यों कर रही थी, यानी बूढ़ी काकी क्यों पछता रही थी। तो देखिए, जब बुद्धिराम, जो बूढ़ी काकी का भतीजा था, उसके बड़े बेटे की जब सगाई थी, तो बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में पश्चाताप कर रही थी कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी की। मेहमानों के खाने तक तो इंतज़ार कर ही लेना चाहिए था। जैसा कि स्टोरी जब आपने पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक है और पूरे मेहमान घर में आए हुए हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, कचौड़ियाँ बन रही हैं, तरह तरह की सब्ज़ियाँ बनने की जो खुशबू है, बूढ़ी काकी की कोठरी तक खुशबू जा रही थी, और बूढ़ी काकी को इंतज़ार न हुआ, खाने का समय भी गुजर गया और बूढ़ी काकी को कोई खाना तक लेकर नहीं गया देने, तो बूढ़ी काकी अब भूख की वजह से परेशान हो गई थी, और जहाँ पर हलवाई खाना बना रहा था वहाँ जाके वो बैठ जाती हैं खाने के लिए। तो जो बुद्धिराम की बीवी रूपा थी, वो बूढ़ी काकी को देख लेती है और बहुत बहुत बोलती है, मेहमानों के बीच में इंसल्ट करती है बूढ़ी काकी की। तो बूढ़ी काकी धीरे से बेचारी अपने कोठरी में जाकर बैठ जाती और पछता रही थी कि काश थोड़ा इंतज़ार कर लेती, भूख भी इतनी, भूख मतलब पेट भरने की इतनी जल्दी थी कि तुमने बर्दाश्त नहीं किया और इतना अपमान भी सहना पड़ा, तो बेचारी बूढ़ी काकी इसलिए पछता रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूपा का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, मतलब रूपा जो थी उसका दिल कैसे बदल गया। जब बूढ़ी काकी को वो देखती है झूठा खाना खाते हुए, तो कैसे उसका दिल पिघल जाता है। देखिए, बूढ़ी काकी को झूठे पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खाते हुए देखकर रूपा का हृदय सन हो गया। उसे बूढ़ी काकी के प्रति किए गए अन्याय और अत्याचार पर भारी पश्चाताप हुआ। तो इस प्रकार रूपा का हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बूढ़ी काकी ने अपनी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी कि वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा, मुझे भरपेट भोजन देगा, जबकि उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा था घर में, उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिलता था। तो जब वो बूढ़ी काकी जाकर झूठे प्लेट में जो झूठे खाने बचे थे मेहमानों के जाने के बाद, वो चाट रही थी, वो खा रही थी और अपने पेट को भरने की कोशिश कर रही थी, तो रूपा उठ जाती है नींद से और देखती है कि
कि बूढ़ी काकी बेचारी झूठे खाने खा रही, तो वो देखकर रूपा को बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमने बूढ़ी काकी के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, सिर्फ ये सोचकर कि ये बूढ़ी है, ये असहाय है। तो उसका दिल बदल जाता है और वो बूढ़ी काकी को एकदम प्लेट सजाकर खाना लेकर आती है खाने के लिए, और बूढ़ी काकी बच्चों की तरह सब कुछ भूलकर वो खा लेती है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में ये सब ज़रूर आएंगे, तो आप इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे, क्योंकि मेहमान घर में इकट्ठा हुए हैं, तरह तरह की खाने की खुशबुआ आ रही हैं, तो क्या बूढ़ी काकी के मन में कैसा कैसे मंसूबे बन रहे थे। देखिए, बूढ़ी काकी को यह विश्वास था कि मेहमानों के जाने के उपरांत एक मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ उनके सामने आ जाएंगी, और यह सब सोच विचार करके उनकी स्वादेंद्रियाँ को गुदगुदाने लगा। यानी कि उनकी जो स्वादेंद्रिया का मतलब ये जो भूख जो मिट नहीं रही है, ज़ुबान भर पेट भोजन नहीं खा पा रही, तो वो बहुत परेशान थी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे कि पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। मतलब वो अंदर घर में बैठ के बेचारी ये सब सोच रही थी अपने मन में, जबकि उसे कोई खाने के लिए भी नहीं पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए, ये 100% इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, रूपा की कड़वी बातें सुनकर काकी ने क्या किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मेहमानों के सामने रूपा ने बूढ़ी काकी को कड़वी बातें सुनाई, इतना अपमान किया बूढ़ी काकी का, तो बूढ़ी काकी ने तब क्या किया उस टाइम। तो रूपा की कड़वी बातें सुनकर बूढ़ी काकी रेगती सरकती हुई अपनी कोठरी में जाकर बैठ गई। जब काकी बड़ी कठिनाइयों से हाथ पैर हाथों के बल सरकती हुई कड़ा के पास बैठी, तो उन्हें उस कड़ा के पास बैठा देखकर रूपा क्रोध से भर गई कि अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया और बूढ़ी काकी जाके कढ़ाई के पास खाना खाने के लिए बैठ गई। और ये देखकर रूपा को बड़ा गुस्सा आता है और वो मेहमानों के सामने जाकर बूढ़ी काकी को खूब खरी खोटी सुनाती है, बेइज्जती उनकी करती है। तो ये सुनकर बूढ़ी काकी सर उठाकर भी नहीं देखती, धीरे से सरकती हुई अपने हाथों के बल वो अपनी कोठरी में जाकर बैठ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इजी है, रटने वाली चीज़ भी नहीं है, कहानी तो ऐसे ही आसान होती है, बना बना के आंसर लिखिएगा। बस ये देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आंसर आपको लिखना होगा। तो इस वीडियो से आपको पूरा हिंट मिल जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिए ये सारे। क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, हाँ ये देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 100%। क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्या देखी थी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा देखिए कि बूढ़ी, जब रूपा ने देखा कि काकी मेहमानों की झूठी पत्तलों से बचा हुआ खाना खा रही है, तो उसे मन ही मन इस बात का बड़ा पश्चाताप हुआ कि जब भी काकी उससे पूरी मांगती तो उसे मना नहीं करना चाहिए था और उन्हें खाने को पूरी दे देनी चाहिए थी, जो सब्ज़ी पूरी मांग रही थी बूढ़ी काकी खाने के लिए। तो रूपा ने बड़ी करी कोटी सुनाई है, ताकि दिया भी नहीं खाना। तो जब वो देखती है झूठे प्लेटों को चाटते हुए और ज़मीन पर गिरे टुकड़ों को खाते हुए, तो उसे बड़ा अफसोस होता है, पछतावा होता है। तो वो मन ही मन ये सब सोच रही थी। अब देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये ज़रूर आएगा। क्या है क्वेश्चन, ये ज़रूर आएगा, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, टॉप लेवल का है। चलिए देखिए, प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज दिया है, क्या सिखाया है। पढ़कर आपको समझ में आया होगा ना कि क्या सिखा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बूढ़ी काकी पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उनके खाने पीने का सही समय पर उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें कितना खाना चाहिए। ये नहीं कि बूढ़ा समझ के जो भी बचा खुचा खाना है थोड़ा सा ले जाके सामने रख दो, वो खाएं या ना खाएं, उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, जबकि खाना बनते ही गर्मा गर्म खाना उन्हें भर पेट ले जाकर दो ताकि वो अच्छे से खा सकें। उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है उसका ख्याल करो, उनसे पूछो, उनको दो। अपने बुज़ुर्गों की सेवा भी हमें करनी चाहिए, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने हमें यही बात सिखाई है।
और मुंशी प्रेमचंद की चाहे जितनी भी कहानियाँ हो या जितने भी नॉवेल हो यानी उपन्यास, वो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं का चित्रण अपनी कहानी या उपन्यास में करके लोगों को अच्छा मैसेज देते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानी के सम्राट हैं, आप सब तो जानते ही हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बूढ़ी काकी किसके साथ रहती थी और क्यों रहती थी। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, क्यों रहती थी और किसके साथ रहती थी। बूढ़ी काकी अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी क्योंकि बूढ़ी काकी के जो पति थे या जो उनका बेटा था उनकी मृत्यु हो गई थी और अब बूढ़ी काकी का कोई सहारा नहीं था इस दुनिया में। बूढ़ी काकी का अब कोई अगर इकलौता सहारा था तो वो उनका भतीजा बुद्धिराम था। बुद्धिराम के अलावा उनका कोई सहारा अब नहीं था इस दुनिया में, इसीलिए बूढ़ी काकी ने अपनी जो पूरी संपत्ति थी अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दिया कि जब मैं इन्हें संपत्ति दे दूंगी तो ये मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा, मुझे खाने पीने की चीज़ें टाइम से देगा, भरपेट देगा। जबकि पूरा इसके अपोजिट होता है, बुद्धिराम संपत्ति ले लेता है लेकिन बूढ़ी काकी का पेट कभी नहीं भरा उस घर में रह के, कभी उनका ध्यान नहीं रखा गया, कभी उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बुद्धिराम के जो लड़के थे वो बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे। देखिए, माँ बाप का जब रवैया बूढ़ों के साथ, घर के बुज़ुर्गों के साथ अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वही चीज़ घर के बच्चे भी सीखते हैं। बुद्धिराम के तीन बच्चे थे, दो बेटे थे और एक छोटी बेटी थी लाडली। तो ये तीन बच्चे थे बुद्धिराम के। तो उसके जो लड़के थे, दोनों लड़के जो थे वो बूढ़ी काकी को बड़ा सताते थे। तो किस तरह से सताते थे वो दोनों लड़के, लड़कों में से चाहे कोई लड़का बूढ़ी काकी को चुटकी काट कर भाग जाता था या कोई उनके ऊपर पानी की कुल्ली कर देता था, मुंह में पानी लेकर बूढ़ी काकी के ऊपर कुल्ली कर देता था, तो इस तरह बूढ़ी काकी बड़ा परेशान रहती थी और ये लड़के इसी तरह से बूढ़ी काकी को सताया करते थे, बड़ा गलत काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, लाडली कौन थी और वह अपने काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, कि क्या लाडली जो थी वो बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी, दया रखती थी, ये पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी में लाडली एक महत्वपूर्ण पात्र है। पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर। वह बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी है और यही इकलौती बेटी है बुद्धिराम की, और वह एक दयालु करुणामयी और अच्छी लड़की है और वो बूढ़ी काकी के प्रति गहरी सहानुभूति और प्रेम रखती है। बुद्धिराम के घर में अगर कोई था जो जिसे बूढ़ी काकी से प्रेम था तो वो बस लाडली थी। लाडली अपने खाने पीने की जो चीज़ें उसे हिस्से में मिलती थी वो बूढ़ी काकी कोठरी में जाकर बूढ़ी काकी के साथ शेयर करके खाया करती थी और ये बूढ़ी काकी से काफ़ी प्रेम भी करती थी और बूढ़ी काकी इसको भी प्रेम करती थी। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन की थाली अपने सामने देख बूढ़ी काकी की मनोदशा का वर्णन कीजिए। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब रूपा ने बूढ़ी काकी को डांट दिया तो बूढ़ी काकी चली गई, उसके बाद झूठी प्लेटें और टुकड़े बीन बीन कर खा रही थी अपने पेट को भरने के लिए, तो वो चीज़ रूपा देखती है और रूपा को बड़ा पछतावा होता है। तो रूपा भोजन की थाली सजा कर बूढ़ी काकी के सामने लाकर रख देती है। तो उस टाइम बूढ़ी काकी की मनोदशा कैसी थी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह थी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि डांट दो फिर प्यार करो तो सब कुछ भूल जाता, बिल्कुल वैसी ही मनोदशा उस समय बूढ़ी काकी की भी थी। भोजन की थाली अपने सामने देखकर बूढ़ी काकी खिल उठती है और उसके रोम रोम में ताजगी आ गई। वो खिल उठती है और वह उसी समय अपने ऊपर हुए अत्याचार और तिरस्कार को भूल जाती है कि किस तरह से रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को अपमानित किया था सभी मेहमानों के सामने। वो सब कुछ भूल जाती है वो भोजन की थाली देखकर, और वह भोजन की थाली पर टूट पड़ती है क्योंकि बेचारी को बहुत भूख लगी थी। धड़ाधड़ पूड़ियों को खाने में वह आतुर हो उठी और उसके एक एक रोए रूपा को आशीर्वाद दे रहे थे और रूपा अपने गलती की माफ़ी बूढ़ी काकी से मांगती है कि बूढ़ी काकी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे और दुआ करें, प्रार्थना करें कि ईश्वर भी मुझे माफ़ कर दे। तो बूढ़ी काकी की बिल्कुल बच्चों जैसी मनोदशा थी जब वो भोजन की थाली अपने सामने देखती है और सब कुछ भूल कर उसको पेट भर के खाती है, इंजॉय करके खाती है। तो बहुत अच्छी ये कहानी है और ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।
तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और इसी तरह से आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट्स हैं और जितने भी टॉपिक हैं और जितने भी कहानियाँ हैं, नॉवेल हैं या निबंध है, सभी को मैं करवा दूँगी। और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ लगातार मैं अपलोड कर रही हूँ और हर एक सब्जेक्ट की अपलोड कर रही हूँ, तो आप विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।